तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को होता है कि क्या सीखें और कहाँ से सीखें, और मेरे बारे में पूछते हैं कि तू कहाँ से सीखा ये सब जो तेरे को आता है। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है ये पता करना होगा। तो मतलब क्या सीखना है, जैसे आपको म्यूजिक जो प्रोडक्शन अकेला अगर सीखना है, या फिर आपको सिंगिंग सीखनी है, या फिर लिरिक्स राइटिंग सीखनी है, वो नेचुरल होती है। मैक्सिमम आप फील करके लिखते हो, उतना आप सीख के नहीं लिख सकते, ये एक पॉइंट है। और या फिर आपको मिक्सिंग मास्टरिंग सीखनी है, या फिर आपको और कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना, वो उसके अंदर आ चुका है पहले। तो पहले आपको तय करना होगा कि आपको सीखनी क्या चीज़ें। म्यूजिक भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट ही बहुत सारे होते हैं, उसमें भी आपको क्या सीखना है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको सीखनी क्या चीज़ है। जैसे डॉ में म्यूजिक प्रोडक्शन, कंपोजिंग वगैरह चीज़ होती है, अरेंजिंग, तो वो वाली चीज़ें सीखनी है। तो उसके लिए भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके लिए बेसिक जो म्यूजिक थ्योरी आती है वो सीखना जरूरी है। तो आपको ये तय करना होगा कि सीखना क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप क्या सीखना है वो अपना फिक्स कर लें कि मुझे ये बनना है, तो उसके लिए मुझे ये सीखना होगा। सबसे पहले ये पता करना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है कहाँ से सीखें। तो मैं जो सीखा हूँ मैक्सिमम यूट्यूब से ही सीखा हूँ, ऑनलाइन ही सीखा हूँ, और साइट्स हैं बहुत सारी, यूट्यूब के थ्रू मिल जाएंगी आपको। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सर्च करो, क्योंकि यूट्यूब आज की तारीख में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप इस पर कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, A to Z। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सीखना क्या है। अगर आपको ये पता है कि आपको सीखना क्या है, तो आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। और YouTube पर आज मैंने देखा, आज मतलब अभी तक मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत ऑथेंटिक और बहुत मतलब कंटेंट उनका सिस्टमेटिक तरीके से, मेरी तरह मैस्ड नहीं है, तो वो बहुत अच्छे चैनल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब उनसे आप सीखकर एक प्रो लेवल के आर्टिस्ट बन सकते हो। बस बशर्ते आप उनको फॉलो करो पूरा। और मैं भी अभी ऑनलाइन ही सीख रहा हूँ, सारी चीज़ें सीख रहा हूँ अभी। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज है, बट ये मैं ऑनलाइन ही सीखा हूँ सारी चीज़ों को। और अगर पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फिजिकल किसी टीचर से, या अगर आपको प्रोडक्शन अगर वगैरह सीखना है, मिक्सिंग मास्टरिंग सीखनी है, तो आप किसी फिजिकल यूनिवर्सिटी वगैरह में जो होती है म्यूज़िक की, म्यूज़िक प्रोडक्शन स्कूल, उनमें जाके सीखे तो आपको बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो आपको इंस्टेंट और एक एकदम एडवांस और एक आइडियलाइज्ड फॉर्म में आपको सारी वैल्यूज जो होती हैं, सारे पैरामीटर्स जो होती हैं, उनके आपको सिखाएंगे, उन चीज़ों को ऑपरेट करना सिखाएंगे। उससे हेल्प मिलेगी आपको, आप एक प्रो रहेंगे, ना कि आप एक बिगिनर जो मतलब मशक्कत करके सीखता है वो, क्योंकि आप एकदम सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। उसके बाद आप इन्वेंट करने के लिए, अपना क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए आप एकदम फ्री होंगे। तो वो एक है, अगर आप नहीं ले सकते जो उनकी फीस ज़्यादा होती है प्रोडक्शन स्कूल्स की, तो आप किसी एक ऐसे स्टूडियो जो मतलब जो सारा काम ये सब कर रहा है, तो उससे जाके सीख सकते हो, वो आपको सिखा देगा। तो बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद आप पे आपके ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना अपने आप को नरिश एंड फिनिश कर रहे हो। तो वो सब है। पर अगर आप फिजिकल टीचर सीखोगे तो बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन भी सीख सकते हो सारी चीज़ें, जैसे कि मैं सीख रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सूट कर रहा है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें। तो ये वीडियो का आंसर, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड गिव मी फीडबैक। ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हेल्पफुल है कुछ, तो प्लीज़ लाइक दिस एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि औरों को भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो। एंड कमेंट करके मुझे पूछ लिया करो कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है अबाउट एनीथिंग एनीथिंग, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है म्यूजिकल ज्ञान स्टूडियो टू स्टेज, तो एवरीथिंग यू कैन आस्क। जो भी मुझे आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो नहीं आता वो मैं आपको सीख के बताने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मेरे नॉलेज। आदित्य, चेक डिस्क्रिप्शन प्लीज़।